Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at doing your homework regularly and properly. Students, social and political life civics ka chapter 8 ki first video mein aapke paas send kar chuki hu, jisme humne ek shirts ke kaise starting ki jati hai, kaise jo कॉटन क्रॉप्स है उसको ग्रो किया जाता है. एक यहाँ एग्जांपल लिया था हमने स्मॉल फार्मर स्वप्ना का, उसके अकॉर्डिंग हमने समझाया था आपको कि कैसे उसने ट्रेडर से बोरो किया था और कैसे उसकी जो फसल थी वो उसने लो रेट पर बाजार में खरीदी थी. तो हमने क्लोथ मार्केट इरोड के बारे में भी अच्छी तरह से समझाया था आपको. हमने इन तीनों पिक्चर्स के बारे में आपको अच्छी तरह से बताया था. तो अब हम जो पुटिंग आउट सिस्टम भी था ये भी आपको अच्छी तरह से समझाया था. तो पुटिंग आउट सिस्टम क्या था कि जहाँ मर्चेंट सप्लाई एंड रॉ मटेरियल एंड रिसीव द फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम. अब हम यहाँ कर रहे हैं वीवर कोऑपरेटिव्स, यानी कि जो बुनकर हैं उनकी जो सहकारी समिति है उनसे उनको क्या बेनिफिट हुआ था, उनसे कैसे उनको जो उनकी प्रॉफिट है वो उसमें ग्रोथ हुई था. We have seen the weavers are paid very little. आपने देखा कैसे इस चैप्टर में जो वीवर्स हैं, कपड़ा बनाने वाले हैं, बुनकर्स हैं, उनको बिल्कुल थोड़े से पैसे पे किए जाते हैं. मर्चेंट अंडर द पुटिंग आउट सिस्टम, जो पुटिंग आउट सिस्टम मर्चेंट के द्वारा अपनाया गया है, जो व्यवस्था बनाई गई है व्यापारियों के द्वारा. वीवर कोऑपरेटिव, जो बुनकर सहकारी संस्थाएँ बनाई गई हैं, और वन वे टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट. तो ये एक तरीका है जिससे मर्चेंट पर निर्भरता को कम करना, व्यापारियों पर निर्भरता को कम करना. जो बुनकर किस पर डिपेंड रहते हैं, पूरी तरह से मर्चेंट पर. क्यों? मर्चेंट के द्वारा उनको धागा दिया जाता है, फिर वो कपड़ा बनाकर वापस मर्चेंट को ही बेचते. तो इसलिए इस प्रकार इस पर डिपेंडेंस है वो मर्चेंट पर. टू अर्न ए हायर इनकम फॉर द वीवर्स, जो बुनकर्स हैं वो अपनी अगर ज़्यादा इनकम बनाना चाहते हैं, अगर आप ऐसा अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो इन ए कोऑपरेटिव पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट, अपने खुद के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कम टुगेदर, आपस में मिलकर कुछ बुनकर जो वीवर्स हैं, और फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, वो अपने खुद के बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं. इन्हें वीवर कोऑपरेटिव, एक बुनकर जो सहकारी संस्था है, वीवर फ्रॉम ए ग्रुप, एक लोगों का बुनकर्स का समूह, टेक अप सर्टेन एक्टिविटीज को मिलकर कुछ एक्टिविटीज करते हैं, जैसे प्रोक्योर आयरन फ्रॉम द आयरन डीलर, वो खुद ही आयरन यारन खरीदते हैं यारन डीलर से, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो अमंग द वीवर्स, जो वीवर्स हैं उनको दे देते हैं, आपस में बांट देते हैं. द कोऑपरेटिव आल्सो डन द मार्केटिंग, और उसके बाद जो सहकारी संस्था है वह ही उसको बाजार में कपड़े को बेचती है. शो द रोल ऑफ द मर्चेंट इज रिड्यूस, यहाँ मर्चेंट का जो रोल है, भूमिका, वो कम हो गई है. वीवर गेट ए फेयर प्राइस ऑन द क्लोथ, इस प्रकार जो बुनकर है उनको अच्छा रेट मिलता है कपड़े का. किसकी मदद से? कोऑपरेटिव की मदद से, सहकारी समिति की मदद से. एट टाइम द गवर्नमेंट्स हेल्प द कोऑपरेटिव बाई यू बाइंग क्लोथ फ्रॉम देम एट ए रीजनेबल प्राइस, तो जो कोऑपरेटिव हैं उनके द्वारा, सहकारी समितियों के द्वारा मदद की जाती है बुनकर्स की, एक रीजनेबल प्राइस पर उनको कपड़ा ये जो खरीदा जा सके, मदद करती है. यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं हम, तमिलनाडु गवर्नमेंट्स रन ए फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम, बच्चों को फ्री स्कूल यूनिफॉर्म देने के लिए वह ऐसे लोगों से क्या करवाती है, यूनिफॉर्म सिलवाती, स्टिच करवाती है. गवर्नमेंट्स प्रोक्योर द क्लोथ फॉर देयर दिस प्रोग्राम फॉर द पावर लूम वीवर्स कोऑपरेटिव, जो सहकारी पावर लूम्स बुनकर हैं उनसे ये कपड़ा खरीदती है. और इसी तरह से जो गवर्नमेंट्स बाई क्लोथ फ्रॉम द हैंडलूम्स वीवर्स कोऑपरेटिव, सहकारी जो हथकरघे हैं जहाँ कपड़ा बनाया जाता है वहाँ से को ऑप्टेक्स नामक दुकान के माध्यम से बेचती है. जो कोऑपरेटिव हैं उनके द्वारा जो कपड़ा बनाया जाता है व्यूवर्स के द्वारा, तो ये मार्केट में को ऑप्टेक्स के नाम से बेचते हैं. तो आप अपने शहर के आसपास कहीं ऐसी दुकानें देखी होंगी, यू माइट हैव कम अक्रॉस वन ऑफ दिस स्टोर इन योर टाउन, आपके शहर में ऐसी आपने दुकानें देखी होंगी. ये कपड़ा दिखाया गया है गारमेंट फैक्ट्री का, ये जो पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पर रेडीमेड जो कपड़े हैं वो तैयार किए जाते हैं. जैसे आपने पैंट दिखाई दे रही है, शर्ट दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार की जो जगह है इसको बोलते हैं गारमेंट फैक्ट्रीज. तो ये गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री के बारे में हम दिल्ली के जो आसपास एरिया है वहाँ पर इसके बारे में जानेंगे. इरोड मर्चेंट सप्लाई द कॉटन क्लोथ्स प्रोड्यूस बाय द वीवर्स, तो जो मर्चेंट हैं, व्यापारी हैं, जो क्लोथ्स को सप्लाई करते हैं, प्रोड्यूस बाय द, किसके द्वारा तैयार किया जाता है क्लोथ्स, व्यूवर्स के द्वारा. टू ए गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री, किसको देते हैं, ये जो ट्रेडर हैं ये किससे लेता है, बुनकर से, कपड़ा तैयार कर वीवर से,
कपड़ा तैयार करवाता है और इस कपड़े को फिर किसको बेचता है, गारमेंट फैक्ट्री को। इस प्रकार से ये जो ट्रेडर है या मर्चेंट है ये यहाँ पर मीडिएटर का काम कर रहा है। व्यूवर्स को पहले यारन देता है, धागा देता है ताकि कपड़ा बनाए, अपनी अकॉर्डिंग देता है, अच्छा देता है घटिया देता है, अपने अकॉर्डिंग इनको कपड़ा बनाने के जो पैसे वो देता है, व्यूवर से कपड़ा खरीद कर गारमेंट फैक्ट्री को देता है। इस प्रकार जो बेनिफिट है वो किसको ज़्यादा होता है, मर्चेंट को। तो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज द क्लोथिस कपड़े का प्रयोग करके शर्ट बनाती है, शर्ट विल बी एक्सपोर्ट फॉर फॉरन बायर। तो इस प्रकार जो विदेशी खरीदने वाले हैं उनके पास भेजी जाती है। अमंग द फॉरन बायर जो विदेशी खरीदार हैं आर बिजनेस पर्सन जो व्यापार करने वाले व्यापारी हैं फ्रॉम USA यूरोप रन ए चेन ऑफ स्टोर। इस प्रकार वो एक चेन श्रृंखला बनाते हैं और ऐसी वस्तुओं को स्टोर करते हैं, शर्ट को स्टोर कर देते हैं। दीज लार्ज स्टोर टू बिजनेस, तो बड़े बड़े जो स्टोर बनाए गए हैं जो फॉरन बिजनेसमैन हैं उनके द्वारा स्ट्रिक्टली ऑन देयर ओन टर्म, वो अपने कुछ टर्म बनाई गई हैं, वो अपनी शर्तों पर काम करते हैं। दे डिमांड द लोएस्ट प्राइस, जो फॉरन बिजनेस मैन हैं वो डिमांड रखते हैं लोएस्ट प्राइस यानी कम कीमत पर उनको सप्लाई की जाए। दे सेट हाई स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी प्रोडक्शन एंड और कोशिश क्या करते हैं कि उनको जो प्रोडक्शन मिले वो कैसा मिले, अच्छी क्वालिटी का था और टाइमली डिलीवरी हो और टाइम से उनकी वस्तुएँ मिले। तो डिफेक्ट और डिले इन डिलीवरी इज डील्ड विद द स्ट्रिक्टली, अगर इस तरह से कोई माल में थोड़ा वो डिफेक्ट मिल जाए या डिलीवरी में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाए तो इस प्रकार से जो रूल होते हैं वो उनसे सख्ती से पेश करते हैं। शो एक्सपोर्टर ट्राई इज बेस्ट टू मीट कंडीशन सेट बाई द पावरफुल बायर्स, इस प्रकार जो पावरफुल ग्राहक है खरीदने वाले हैं वो इन प्रकार की शर्तों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ समझ में आया कि जो फॉरन खरीदार हैं वो किस प्रकार से अपनी कुछ शर्तें हैं उनको मानवाते हैं। फेस्ड विद सच प्रेशर्स फ्रॉम द बायर, इस प्रकार कुछ जो दबाव बनता है खरीदारों का वो व्यूवर्स पर बनता है। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री, जो गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्रीज पर बनता है। इन टर्न ट्राई टू कट कॉस्ट, इसमें जो कीमत में लागत में कमी की जाती है। गेट द मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर, जो गारमेंट फैक्ट्री है वो वर्कर से ज़्यादा काम लेती हैं। लोएस्ट पॉसिबल वेजेस, कम से कम उनको तनख्वाह दी जाती है। दिस वे दे कैन मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट, और वो सारा अपना प्रॉफिट देखते हैं। कौन देखते हैं, जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज हैं वो अपना प्रॉफिट देखते हैं, वहाँ काम करने वाले वर्कर्स को कम पैसे देते हैं। आल्सो सप्लाई द गारमेंट टू फॉरन बायर एट ए चीप प्राइस, क्योंकि उनको जो फॉरन बायर हैं विदेशी खरीदार हैं उनको कम कीमत पर सामान बेचना पड़ता है, इसलिए वो सारी जो अपनी प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं वो वर्कर के द्वारा करते हैं। इम्पैक्ट गारमेंट फैक्ट्री एज ए 70, एक जो गारमेंट फैक्ट्री है वहाँ 70 वर्कर्स काम करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन्स, उसमें ज़्यादातर महिलाएं होती हैं। मोस्ट ऑफ दीज वर्कर आर द एम्प्लॉयड ऑन द टेम्परेरी बेसिस, जो अस्थायी रूप से काम करते हैं। दिस मीन दैट, इसका अर्थ यह होता है कि वेन एवर द एम्प्लॉयर फील दैट इज ए वर्कर इज नॉट नीडेड, जब मालिक को यह पता चल जाए, फैक्ट्री मालिक को यह पता चल जाए कि इस वर्कर की अब जरूरत नहीं है, तो वर्कर कैन बी आस्क्ड टू लीव, वो कर्मचारी को जाने को कह सकता है। वर्कर वेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग देयर स्किल, जो वर्कर का सैलरी है वो वेजेज है वो किस पर फिक्स किया जाता है, उसके स्किल पर, उसके काम करने की योग्यता पर। द हाईएस्ट पेड अमंग द वर्कर आज द टेलर, जो टेलर होता है ऐसी फैक्ट्री में गारमेंट फैक्ट्री में उसको 3,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। वुमन और एम्प्लॉयमेंट हेल्पर, जो औरतें हैं वो यहाँ हेल्पर के रूप में काम करती हैं, जैसे थ्रेड कटिंग के बटनिंग के लिए, आयरनिंग के लिए, प्रेस करने के लिए, जो पैकेजिंग कपड़े के शर्ट को पैक करने के लिए। तो दीज जॉब है लोएस्ट वेजेस, कम तनख्वाह पर या कम मजदूरी पर उनसे काम करवाया जाता है। पेमेंट ऑफ वर्कर पर मंथ, जैसे यहाँ टेलरिंग के 3,000, आयरनिंग वन पीस के 1.50 यानी कि 1.5 रुपया, चेकिंग के लिए कि जैसे जो पैकिंग की गई अच्छी तरह से की गई है, जो शर्ट है वो तैयार अच्छी तरह से, चेकिंग के लिए 2,000 रुपीज पर वर्कर या दी गई है वर्कर को। थ्रेड कटिंग और बटनिंग के लिए 1,500। तो ये यहाँ बताया गया है कि गारमेंट फैक्ट्री के अंदर वर्कर को कितना पैसा मिलता है। तो यहाँ हम शर्ट देखते हैं कि हमारे यहाँ जो शर्ट बनती है गारमेंट फैक्ट्री में उसका जो परचेज रेट है वो 300 है। कितना है, 300 है। तो यहाँ स्टोरेज का पैसा लगाया गया है 200, उसको भंडार करने में, साफ अच्छी तरह से रखने में। एडवर्टाइज में पैसा खर्च किया जा रहा है 400, और जो फॉरन बायर है खरीदता है यहाँ से और फिर जाकर मार्केट में बेचता है उसको प्रॉफिट होता है 900 का। तो अब यहाँ टोटल परचेज की 300 की जो चीज़ है वो उसको प्रॉफिट इतना हो गया और उसके एडवर्टाइज में इतना उसने टोटल
पैसा खर्च कर दिया, तो 900 रुपीज़ उसने टोटल ये खर्च किया और 900 का प्रॉफिट दिया, तो ये कितने की टोटल की उसने शर्ट बेची मार्केट के अंदर, 1800 की। तो इस प्रकार जो फॉरेन बिजनेसमैन है वो इतना प्रॉफिट यहाँ बाजार में कर लेता। तो यहाँ शर्ट कहाँ से के बारे में पढ़ेंगे हम, यूनाइटेड स्टेट, जो इंडिया से माल मंगवाते हैं और यूनाइटेड स्टेट में ऐसे बेचते हैं। नंबर ऑफ शर्ट आर डिस्प्ले इज ए लार्ज क्लोथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट। इस प्रकार संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान है, बहुत सी कमीज वहाँ पर मिलती हैं। प्राइज्ड एट $26, तो वहाँ का जो प्राइस रखा गया है $26 रखा गया है। ईच शर्ट सेल फॉर $26, यहाँ प्रत्येक शर्ट को $26 में बेचा जा रहा है, जो इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 1800। यूज द डायग्राम, जो यूज हम इस डायग्राम को यूज करते हुए यहाँ इसमें फिल करेंगे। बिजनेस पर्सन परचेज द शर्ट फ्रॉम द गारमेंट, कितने से खरीदी, तो ये 300 में, ये यहाँ देखते हैं हम, उसने परचेज किसने में की, 300 में। देन स्पेंड रुपीज डेट एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग पे उसने 400 स्पेंड किए। अनदर पर स्टोरेज पर उसने 200 किए। तो इस प्रकार डिस्प्ले ऑल द अदर चार्जेस थ्रू द कॉस्ट ऑफ पर्सन, एक 900 वाइज सेल शर्ट 1800 रुपये में उसने बेची, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 900। इस प्रकार ये सारा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया गया है। नेक्स्ट है ये, वो आर द गेनर इन द मार्केट, मार्केट में सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है, सबसे ज्यादा इनकम या लाभ कमाने वाला कौन होता है। ये चेन ऑफ मार्केट में लिंक द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, जो स्टार्टिंग में कॉटन प्रोडक्शन से ये चलती है प्रोसीजर, कैसे कॉटन जो उगाई जाती है किसान के द्वारा खेत के अंदर, फिर उसको खेत के बाद उसको जीनिंग मिल में भेजा जाता है मार्केट में व्यापारी के द्वारा। गीनिंग मिल यहाँ क्या करती है, जो सीड है और कॉटन उसको अलग करती है, क्लीन करती है, क्लीन करने के बाद उसको यारन के लिए यारन डीलर में, यारन फैक्ट्री में भेजा जाता है। यारन बनने के बाद जो मर्चेंट है वो वीवर्स के पास भेजते हैं, वीवर्स क्या करते हैं, फिर वीवर्स इसका कपड़ा बनाते हैं, और वीवर्स के कपड़ा बनने के बाद ये गारमेंट फैक्ट्री में जाती है, गारमेंट फैक्ट्री में इसको क्या बनते हैं, शर्ट बनाई जाती है, और शर्ट कहाँ बेची जाती है, मार्केट में बेची। इस प्रकार ये जो प्रोसेस है ये पूरी क्या बन जाती है, कुछ चेन ऑफ मार्केट बन जाती है। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस, जो खरीदना या बेचने का स्थान है, वेरी स्टेप इन द चेन, बहुत अलग अलग स्टेप से जो मैंने अभी बताया हम। लेट्स रिकॉल हु वर द पीपल हु वर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इसमें कौन कौन से व्यक्ति जो इन्वॉल्व होते हैं, अभी जो बताया फार्मर से लेकर मर्चेंट से लेकर गारमेंट फैक्ट्री से लेकर वीवर से लेकर, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। डिड दे ऑल गेन एज मच, जिस क्या कितना किसको प्राप्त होता है। देयर वर पीपल हु मेड प्रॉफिट इन द मार्केट, किस जो कौन से व्यक्ति हैं जिसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता मार्केट में। देयर वर सम हु डिड नॉट गेन एज मच फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग, जो कौन से वे व्यक्ति हैं जिसको बेचने और खरीदने में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिसको प्रॉफिट कम होता है, या लेस है और यहाँ मोर है। तो इस प्रकार ये कुछ लोगों को तो ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार जो वीवर जैसे हैं या जो स्मॉल फार्मर हैं, वो बेचारे मेहनत ज़्यादा करते हैं और मिलता बहुत थोड़ा है। तो अब हम यह देखेंगे मार्केट एंड इक्वलिटी, मार्केट में क्या लोगों जो अर्निंग है वो इक्वल है या अलग अलग है। फॉरन बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट, आपने देखा कि वहाँ एक शर्ट परचेज की गई थी, अभी हमने शर्ट के द्वारा समझाया गया था 300 में, और उसको बेच कितना रहा है, 1800। तो ये कितना जो प्रॉफिट है, इस पे उसने 400 एडवर्टाइजमेंट पे लगाया, 200 स्टोरेज पे लगाया, तो ये 600 रुपये और ऐड करके तो प्रॉफिट यहाँ 900 का उसको मिला। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको मिला, फॉरन बिजनेस पर्सन को। कंपेयर टू दिस गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट, जो गारमेंट एक्सपोर्टर हैं जो रेडीमेड कपड़ा बाहर बेचते हैं उनको यहाँ मध्यम वर्ग का प्रॉफिट मिलता है, मध्यम प्रॉफिट मिलता है। ऑन द अदर हैंड द अर्निंग ऑफ द वर्कर एट द गारमेंट फैक्ट्री बियरली एनफ टू कवर देयर डे, यार जो गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं उनको इतना मिलता है, मुश्किल से वो अपने दिन की जरूरत हैं, वो हर रोज की जरूरतें पूरा मुश्किल से कर पाते हैं। दिस आर द स्मॉल कॉटन फार्मर, जैसे हमने एक स्वप्ना को देखा कि एक छोटा जो छोटी किसान थी, थोड़े एरिया पर अपने क्रॉप को ग्रो करती थी। द वीवर एट यूरोड मार्केट, जब मैंने बुनकरों के बारे में देखा कि बहुत सारे घंटे लंबे घंटों तक काम करते रहते, लेकिन उनकी इन अर्निंग क्या है, बहुत कम है। डिड नॉट गेट ए फेयर प्राइस, उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है इन द मार्केट। बट दे प्रोड्यूस, जो उसको प्रोड्यूस करते हैं, जो निर्माण करते हैं, मर्चेंट और ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन इन, क्योंकि इनके बीच जो मर्चेंट और ट्रेडर है वो कई बार सारा प्रॉफिट खुद
गेन कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो कंपेयर्ड ऑफ द वीवर्स दे हैव अर्न मोर बट इट्स स्टिल मच लेस देन एक्सपोर्टर, यानी कि जो वीवर्स हैं, जो वर्कर हैं या जो फार्मर है, उनको तो जो प्रॉफिट है वो बहुत कम मिल पाता है, जो ट्रेडर्स है, मर्चेंट है, उनको ज़्यादा मिल जाता है। नॉट एवरी वन गेन इक्वली इन द मार्केट, हर व्यक्ति को इक्वली नहीं मिलता है। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग ए फेयर वेजेज इन द मार्केट, लोकतंत्र में होना चाहिए कि सब व्यक्तियों को मार्केट के अंदर फेयर उचित वेजेज मिले, वेदर इज ए कांता और स्वप्ना, चाहे वो जो डोमेस्टिक वर्कर है या जो स्मॉल फार्मर है, सबको उसकी जो मेहनत है उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। अर्न एनफ हाउ वुड दे थिंक देमसेल्व एज इक्वल टू अदर, तो इस प्रकार सभी सोचते हैं कि हम अपने आप को दूसरों के बराबर समझें, यानी कि दूसरे उनका फ़ायदा ना उठाएं, उनकी मेहनत का फ़ायदा ना उठाएं। ऑन वन हैंड द मार्केट ऑफर पीपल अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क एंड टू बी एबल टू सेल थम सेल थिंग्स दैट दे ग्रो प्रोड्यूस, इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर कुछ लोगों को ज़्यादा अवसर मिलते हैं सामान को बेचने या खरीदने का, कुछ लोगों को ज़्यादा अवसर मिलते हैं यहाँ पर जो वस्तुओं को बेचते हैं खरीदते हैं, दैट दे ग्रो और प्रोड्यूस, या जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं या पैदा करते हैं। इट कुड बी फार्मर सेलिंग कॉटन, जैसे कि हमने देखा जो फार्मर है, किसान है, कॉटन को बेच रहा है, वीवर प्रोड्यूसिंग जो कपड़ा प्रोड्यूस कर रहा है वीवर, ऑन द अदर हैंड यूजुअली रिच और पावरफुल जो मर्चेंट हैं, जो अमीर और शक्तिशाली जो मर्चेंट हैं उनका ज़्यादा फायदा यहाँ होता है। मैक्सिमम अर्निंग फॉर द फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से जो अर्निंग होती है मैक्सिमम वो ट्रेडर को और मर्चेंट को होती है। दीज आर द पीपल हु हैव मनी और ओन द फैक्ट्री, जिन जो व्यक्ति अपने पास उनका धन है या अपनी फैक्ट्री हैं, लार्ज शॉप हैं, लार्ज लैंड हैं, ये सब जो जिनके पास है वो व्यक्ति मैक्सिमम अर्निंग करते हैं। पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द रिच, जो गरीब आदमी है किस पर डिपेंड होते हैं, रिच या पावरफुल फॉर वेरियस थिंग, अलग अलग चीज़ों के लिए शक्तिशाली या अमीर लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। दे हैव टू डिपेंड फॉर लोन्स, वो डिपेंड होते हैं लोन लेने के लिए। इन केस ऑफ स्वप्ना, जैसे आपने स्वप्ना के मामले में देखा जो स्मॉल फार्मर थी, रॉ मटेरियल के लिए, मार्केटिंग के लिए, जो व्यूवर्स हैं, जो पुटिंग आउट सिस्टम है, वो सब रिच मर्चेंट पर डिपेंड रहना पड़ता है। मोस्ट ऑफन फॉर एम्प्लॉयमेंट्स, जो ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट्स हैं, जो वर्कर हैं, जो काम करते हैं गारमेंट फैक्ट्रीज में, बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंस, इस निर्भरता के कारण पुअर आर एक्सप्लॉइटेड, गरीब लोगों का ज़्यादा शोषण किया जा रहा है इन द मार्केट, मार्केट के अंदर। देयर आर वेज टू ओवरकम दीज, सच फॉर्मिंग कोऑपरेटिव और प्रोड्यूसर्स एंड इंश्योरिंग, इस प्रकार से यहाँ जो काम करने वाले हैं, जो इन जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्यूशन करने के लिए जो सहकारी संस्थाएँ वो बनाई जाए, कोऑपरेटिव जो संस्था वो बनाई जाए, ताकि जो प्रोड्यूसर हैं, जो वस्तुओं को बनाने वाले हैं, निर्माण करने वाले हैं या प्रोडक्शन करने वाले हैं, उनको कुछ सहायता दी जाए। इन लास्ट चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है, फिश वर्कर है जिनके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, उस तवा मत्स्य संघ TMS के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छी तरह से रीड करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को ध्यान से सुनना है आपने और ध्यान से लेसन को समझना है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि ये हम क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करते हैं, लेकिन क्वेश्चन फोर्थ है ये हम आपको सेंड नहीं कर रहे हैं, क्लास में समझाया गया है। और यहाँ पर भी आप ये जो 9 स्टेटमेंट यहाँ दी गई है, 9 स्टेटमेंट को यहाँ आप अपने फिल करनी है कि जो यहाँ थर्ड के बाद कौन सी स्टेटमेंट आएगी, यहाँ इसके बाद कौन सी, इसके बाद ये कौन सी, इसके बाद फिर यहाँ कौन सी, ये इस प्रकार से ये रो चलेगी। इसको अपनी बुक में खुद इन स्टेटमेंट को जो ऊपर दी गई है इनको रीड करके अच्छी तरह से फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से सुने, अच्छी तरह से समझे। ओके थैंक यू।